New Hope TV, your encounter with God. As I was preparing for today's service, और जैसे पासवान जी आज के सभा के लिए तैयारी कर रहे थे, Holy Spirit impressed upon me that many are grieving. पवित्र आत्मा ने देखे पासवान जी पर दबाव डालते हुए बताया कि बहुत सारे लोग दुख तकलीफ में हैं, पीड़ित हैं. Many have lost their loved ones. बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय जनों को गंवा दिया. It could be a mother, it could be a father, it could be somebody, a loved one, a close person. ये माँ हो सकती हैं या फिर पिता हो सकते हैं या फिर कोई प्रिय जन या कोई ऐसा करीबी व्यक्ति हो सकता है जिनको आपने गंवा दिया हो. The fact that we will never see them again in this lifetime, of course we will see them when we go to the other side, it feels very painful. ये हकीकत कि इस जीवन काल में तो हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ जब हम दूसरी और जब उस जीवन में प्रवेश करेंगे तब हम उन्हें देखेंगे, लेकिन ये बात सोच के देखिए हमें बहुत ही तकलीफ होती है अकेलापन महसूस करके. Sometimes the circumstances, the way they departed from us makes the sorrow even more painful. और कभी-कभी देखिए वो हमसे बिछड़ गए, वे हमसे अलग हो गए, इस प्रकार का दुख हमें और ज्यादा भारी दर्दनाक जैसा एक वाक्य लगता है. Maybe they died in a hospital. शायद हो सकता है अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई. Maybe they died in some unpleasant situation where we could not really help them or be with them. It makes it even more painful to us. और शायद इस प्रकार के हालात में या फिर इस प्रकार के स्थान में उनकी उनकी मृत्यु हो गई जहां पर हम उनके साथ ना हो सके हो और ना ही हम उनकी कोई मदद कर पाए हो, और ये बात तो और भी ज्यादा दर्द हमें पहुंचाती है. Though you are living your life, हालांकि आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, but inside you are still grieving, inside you are still mourning. फिर भी आप एकदम दुख तकलीफ में अंदर से आप मातम मना रहे हैं. And there are questions as to Lord, why did this happen? और एक सवाल उठता है कि आपके अंदर कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ? What happened? क्या हुआ? And all sort of questions. और ये सब प्रकार के सवाल उठते हैं. There are many people like that. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. Maybe you are smiling on the outside, you're talking to people, you're laughing with people, but inside you are hurting, inside you're grieving, inside you are mourning. हो सकता है कि आप बाहर से तो लोगों के सामने आप हंस रहे, मुस्कुराहट दे रहे हैं, अच्छे से उनसे बातचीत भी सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मातम मना रहे हैं. The Holy Spirit gave me this word for you this evening. पवित्र आत्मा ने पासवान जी को यह वचन आप सभी के लिए दिया. This is a word I believe from many of us watching today. और देखिए यह वो वचन है जो हमें यकीन है बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन सबके लिए. If you turn your Bibles with me to the book of Matthew chapter 5 and verse 4 right now. और आइए निकालेंगे इस समय मत्ती का पांचवा अध्याय उसके चौथे वचन में. It says, "Blessed are those that mourn, for they shall be comforted." आशीषित हैं वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे. If you are mourning, अगर आप शोक कर रहे हैं या तकलीफ में हैं, notice that the Lord said that they will be comforted. अगर आप शोक कर रहे हैं या फिर मातम मना रहे हैं तो देखिए प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि उनको शांति दी जाएगी. If God said it, it will happen. अगर परमेश्वर ने ये कहा है तो यकीन ऐसा होगा. God is a comforter. परमेश्वर सांत्वना दाता है. One day Jesus was with his disciples. एक दिन यीशु अपने चेलों के साथ थे. And he told them that he's going away. और यीशु ने उनसे कहा कि वो जा रहे हैं. And the disciples were very grieved. और ये बात सुनकर चेले बहुत ही दुखी हो गए. John, for example, he was a very young guy. उदाहरण के रूप में हम यूहन्ना को देखते हैं, वो एक नौजवान युवक था. How they enjoyed his presence being with them. और कैसे उन्होंने उसके साथ रहकर उसकी उपस्थिति का आनंद मनाया होगा. And now he was leaving them. अब वो उन्हें छोड़के जा रहा है. And they were very grieved. और वे बहुत ही दुखी हो गए. And Jesus said something that is very powerful. और फिर यीशु ने वहाँ पर कुछ जबरदस्त बात बताई. He said, "I'm leaving." यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ. But know this, that there is a comforter that I will send. लेकिन इस बात को भी पक्के से जान लो कि एक सांत्वना दाता आ रहा है जिसे मैं God, परमेश्वर के लोगों, if you are mourning today, अगर आज आप शोक मना रहे हैं, because something happened in your life, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ, the Lord will surely comfort you. तो प्रभु यकीनन आज आपको सांत्वना और शांति देगा. If you read the book of Psalm, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता, the Bible says, वहाँ पर बाइबल कहती है, he is close to the brokenhearted. वो टूटे मन के लोगों के बहुत ही करीब. The Lord is close to you. Sometimes the voice of your pain is louder than the voice of God. और देखिए कभी-कभी क्या होता है, परमेश्वर की आवाज से बढ़कर आपके दर्द की आवाज गूंजती है. Because this is why when you are in pain, you feel that God has abandoned you. और ऐसा तब होता है जब आप दर्द में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है. You feel that the Lord's presence has gone away from you. आपको ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपसे दूर चली गई है. Because now your pain is talking louder than small voice of God. क्योंकि अब परमेश्वर की वो मीठी दबी हुई धीमी आवाज से बढ़कर आपके दर्द की आवाज गूंजती रहती है. Are you listening right now? सुन रहे इस वक्त? There was once a man. एक आदमी था. Who was very close to God. जो परमेश्वर के बहुत ही करीब रहा करता था. Now I do not know whether this is a real story. और पता नहीं कि यह सच्ची कहानी है या नहीं. But this is what I read. लेकिन पासवान जी ने पढ़े कहीं पर. And here's how it goes.
और देखिए सुनिए, was on a secular job working and serving the Lord. और वो अच्छी नौकरी में कार्यशील था, नौकरी भी करता, प्रभु की सेवा भी करता था. And one day, और एक दिन, something grievous happened in his life. और कुछ तो दर्दनाक बात उनके जिंदगी में हुई. And somehow he said, never mind, let me continue with God. लेकिन उन्होंने अपने आप को मनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं प्रभु में अपने सफर को जारी रखूंगा. That day, उस दिन, he had a dream. उन्हें एक सपना आया. He saw the Lord walking close by to him. और जब उन्होंने सपने में देखा कि प्रभु जो है उनके करीब चल रहे हैं. After a few months, कुछ महीनों बाद, there was another very grievous situation in his life. और एक दर्दनाक घटना उनकी जिंदगी में घटी. That day he was totally broken. उस दिन वो पूरी तरह से टूट गए. And that day as he slept, और उस दिन जैसे वो सोए, he saw, उन्होंने देखा, only one set of feet on the sand. उन्होंने देखा कि पांवों का बस एक जोड़ा ही बालू पर चलता हुआ जा रहा है. It was one set of feet. He was not sure whose feet it was. और देखिए स्वप्न का अर्थ बताने के वरदान के जरिए परख करने लगे जिस तरह का ये कदमों का चल रहा है जो एक ही आदमी का है. So he got up. तो वो उठे. And he cried out. और वो रो पड़े. And says, God, उन्होंने कहा, परमेश्वर, when I went through something grievous, you were walking very close to me. और देखिए जब मैं कुछ दर्दनाक वाकये में से गुजरा था आप मेरे बहुत ही करीब चल रहे थे. But now, लेकिन अब, I've gone through this extremely grievous situation and all I see is one set of footprints. और अब मैं तो बहुत ही भारी भयानक हालात में से गुजर रहा हूँ और अब मुझे कदमों का बस एक ही जोड़ा दिख रहा है. Why have you abandoned me? क्यों आपने मुझे त्याग दिया? And the Lord spoke to him. और फिर प्रभु ने उसे कहा, and he said, son, प्रभु ने कहा, बेटे, when something bad happened to you, I walked very close to you. जब कुछ बुरा तुम्हारे साथ हुआ था तो मैं तुम्हारे बहुत ही करीब चल रहा था. When this thing happened in your life, जब ये चीज जिंदगी में हुई, I know you could not handle it all alone. और मुझे पूरा पता है कि तुम अकेले इसे संभाल नहीं सकते. So I lifted you in my arms. तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया. I carried you. मैंने तुम्हें उठा लिया. The footprints that you saw are not your footprints. They are my footprints and you are in my arms. और तुम जो पदचिन्ह, जो पांव के चिन्ह जो देख रहे थे वो तुम्हारे पदचिन्ह नहीं थे, वे मेरे पदचिन्ह थे और तुम्हें तो मैंने अपनी बाहों में लिया हुआ था. This is how it is. ऐसा ही है ये. Maybe you lost a son, maybe you lost a daughter, a uncle, a father or mother. God has lifted you in his arms. और शायद हो सकता है आपने अपने बेटे, बेटी या फिर किसी अंकल को या फिर अपने माता-पिता को आपने गवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी बाहों में ले लिया है. He will comfort you. वो आपको तसल्ली देगा. Authority of God's word. पर मिश्र के वचन के अधिकार से आपसे बोलते हैं. The Bible has several references. This is not the only reference. और देखिए इसके ऊपर आधारित बहुत सारे बुनियादी वचन हम पाते हैं बाइबल में. केवल यही एक नहीं है. Everything can change, but God's word can never change. आप देखते हैं सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता. Jeremiah 31 and verse 13, please. और निकालेंगे इस समय यिर्मयाह का 31वां अध्याय उसका 13वां वचन में. I want to tell you. आपसे कहना चाहते हैं. A few days and you will see the comfort manifesting in your life. बस कुछ ही दिन और उसके बाद आप उस सांत्वना, उस शांति यानी तसल्ली को अपनी जिंदगी में होता देखेंगे. आज जैसे हम प्रार्थना करेंगे, you will see the comfort of God manifesting in your life. आप परमेश्वर की उस शांति को अपनी जिंदगी में प्रकट होता हुआ देखेंगे. Look what the Lord says. देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है. The Lord said through his prophet. प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता के जरिए कहा. Then will the maidens rejoice in their dance. उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी. And the young men and the old together. और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे. Are you a young person? क्या आप कोई नौजवान हो? Are you a young woman? क्या आप नौजवान महिला हैं? Are you a senior person watching me? कोई वरिष्ठ बुजुर्ग व्यक्ति जो देख रहे हैं? The Lord says you will rejoice. प्रभु कहता है आप आनंद मनाएंगे. I don't say this. हम नहीं कह रहे. God's word says this. प्रभु का वचन कहता है. He says for I will turn their mourning into joy. और वचन में आगे लिखा है क्योंकि मैं उनके शोक को आनंद में बदल दूंगा. And I will comfort them. और मैं उन्हें शांति दूंगा. And make them rejoice after their sorrow. और उनके दुख के बदले आनंद दूंगा. My dear friends. मेरे प्यारे दोस्त. You see. अब देखते हैं. God is a father. परमेश्वर एक पिता है. You know one of the names given to God is El Shaddai. और देखिए एक नाम जो परमेश्वर का दिया गया है वो है El Shaddai. He is a father. वो पिता है. A mighty man. एक सामर्थ्य व्यक्ति. With the bosom of a mother. माँ के जैसे गोद में. He is El Shaddai. वो El Shaddai है. He will carry you. He will nourish us. और देखिए वो आपको संभाले रहेगा. वो आपको पोषण कर देगा. The devil is a liar. शैतान झूठा है. You know in our grief. और देखिए हमारे शोक और वेदना में. Sometimes. कभी कभी. We are smart people. और देखिए हम बहुत ही होशियार लोग होते हैं. We don't turn our grief against God. और देखिए हम परमेश्वर के खिलाफ में हमारे शोक और वेदना को नहीं मोड़ते. Because we fear the Lord. क्योंकि प्रभु का भय मानते हैं. That is good. ये अच्छा है. But in our grief sometimes we turn and come against people that are around us. लेकिन हमारे शोक वेदना के हालात में कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे आसपास होते हैं उनके खिलाफ में हम खड़े हो जाते हैं. And by doing that. और ऐसा करके we block the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को हम रोक देते हैं. We block the comfort that was supposed to come to us. और वो शांति और सांत्वना जो हमारे पास आने वाली थी हम उसे रोक देते हैं. Now I'm not saying that men will comfort you. और देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि लोग आपको शांति और सांत्वना देंगे. But it is how you deal with the people around you is how God deals with us sometimes. और देखिए जिस तरह से हमारे आसपास के लोगों के साथ बर्ताव करते
हैं, वैसे ही कभी कभी परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। God is a God of His word. परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। He says, "Whatsoever you do to the least of my brethren, so I shall do to you." प्रभु कहता है कि मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ भी जो तुम करते हो, वैसे मैं तुम्हारे साथ करूंगा। Listen to me. सुनिए हमारी। People will be people. लोग हमेशा लोग ही रहेंगे। They will make mistakes. They will hurt you. They will let you down. But when you are in grief, you cannot point them. You cannot make them the object or the reason of your grief. और देखिए, वो आपको ठेस पहुंचाएंगे, वो आपको नीचे डालेंगे, लेकिन देखिए आप अपने शोक वेदना में उन पर उंगली उठा नहीं सकते हैं। देखिए इस तरह से आप नहीं कर सकते। Joseph's brothers sold him. यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया था। But he never made them the object of his grief. लेकिन उसने कभी भी अपने भाइयों को अपने शोक वेदना बनाने का कोई माध्यम नहीं समझा। That's why God seen his heart. और इसी वजह से देखते परमेश्वर उसके दिल को देखा। He knew that this man could be trusted. और उसने जान लिया कि ये व्यक्ति जो है भरोसेमंद है। You see, आप देखते हैं, this is what many times happens. और देखिए यही तो बहुत बार होता है। People, they say, oh, you are the reason of my grief. It's because of you this happened. और लोग देखिए आरोप लगाते हुए ऐसा कहते हैं, ओ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम ही हो ये सारी बातों के लिए, तुम ही जिम्मेदार हो। This is why some people don't experience the comfort of God. और इसी वजह से देखिए काफी लोग जो है परमेश्वर के उस सांत्वना और शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। It is God's will to comfort us. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें शांति और तसल्ली दे। Those who are mourning. जो लोग शोक कर रहे हैं। If comfort is not coming, then there is something wrong. अगर देखिए वो शांति या वो सांत्वना नहीं आता है तो कुछ तो खराबी है। There is another danger. और एक खतरा है। The Lord knows that excessive grief can open up doors to the demonic realm. ज्यादातर जो शोक मनाते रहना जो है ये शत्रु के आयाम के लिए दरवाजा खोल सकता है। Please understand this. समझिए इसे। As joy opens up a door to the Holy Spirit, grief opens up a door to the demonic. और जैसे आनंद जो है पवित्र आत्मा के प्रवेश करने का दरवाजा खोल सकता है, वैसे ही शोक और वेदना जो है ज्यादा मनाया जाना यह जो शत्रु की शक्ति के लिए दरवाजा खोल सकती है। इसी वजह से पौलुस लिखते हैं, Let us not grieve as those who don't have hope. और जो लोगों के पास आशा नहीं, वैसे ही हम शोक वेदना न करें। So you see, the devil cannot produce joy. When you are joyful, God can move into your life. That's why it produces health. It produces healing. It can never be from the devil. Are you understanding right now? और देखिए शत्रु जो है आनंद उत्पन्न नहीं कर सकता, ये प्रभु ही है जो आनंद पैदा करता है। और जब आनंद आता है उसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य आता है, चंगाई आती है, समझ लीजिए। Sometimes you allow that grief to sustain, to just go on. Some kind of sicknesses will show up in your body. और कभी कभी देखिए आप शोक वेदना को जो अपनी जिंदगी में जारी रखना पसंद करते हैं और चलते रहने देता है देते हैं, और इसकी वजह से देखिए कभी कभी आपके शरीर में आप बीमारी को दर्द को अनुभव करने लगेंगे। Unnecessary complications arise in your body. You say, oh, I never had this sickness. I never had this problem. From where is it come? The root of it is you have allowed the grief to continue and it has opened doors for the demonic in your life. और बेवजह की शारीरिक समस्या जो है आपके जीवन में उत्पन्न होने लग जाएंगे और आप हैरत में पड़ के सोचेंगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो पहले मेरे जीवन में नहीं था। इसका कारण ये है कि आपने ज्यादा शोक वेदना मनाते आपने उसको जारी रखा और इसके वजह से शत्रु की शैतानी शक्तियों को आपने अपने जीवन में आने के दरवाजा खोल दिया है। Nehemiah 8:10, write this down. लिख लीजिए नहेम्याह का 8वां अध्याय 10वां वचन। It says the joy of the Lord is our strength. वचन कहता है कि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। What is your strength? आपकी ताकत क्या है? This strength includes physical strength. This strength includes spiritual strength. This strength includes mental strength. What is that? The joy is your strength. The joy of the Lord. और इस आनंद में देखिए आपकी शारीरिक शक्ति आती है, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति आती है। कौन सी शक्ति है ये? ये प्रभु का आनंद हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य है। चलिए दूसरी ओर डालते हैं। Sorrow is your weakness. दुख और वेदना ये आपकी कमजोरी है। Sorrow, grieving without hope is weakness. बिना आशा के शोक मनाते रहना देखिए ये आपकी कमजोरी है। It could also lead you to make wrong decisions. और देखिए ये आपकी अगुवाई कर सकती है गलत फैसला लेने के लिए। You are known wherever you are in your field to make good decisions. और देखिए मान लीजिए आपको ऐसा लगता है, आपको जाना जाता होगा कि आप कहीं पर भी अच्छा फैसला लेने में माहिर हैं। That is why they respect you so much. इसी वजह से वे आपके बहुत इज्जत करते हैं। And if you make wrong decisions, और अगर आपसे कोई गलत फैसले हो जाते हैं, you start behaving weirdly. तो आप अजीब बर्ताव करने लगते हैं। That could be detrimental to your influence. और इससे देखिए आपके प्रभाव पर गलत असर पड़ सकता है। Please listen to carefully. समझिए ध्यान से। When you are in the right frame of mind, जब आपका मन सही स्थिति में होता है, you will make the right decisions. आप सही फैसले ले पाएंगे। When you are grieving, when you are hurting with excessive grief, you will make decisions that are not right, that are not
proper. जब आप अत्यधिक शोक और मातम मनाने के स्तर में रहेंगे तो आप ऐसे फैसले लेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो कि सही नहीं है. That's why people are discouraged. They go into depression. और इसी वजह से देखिए लोग जो है तनाव में चले जाते हैं. You see Judas. आप देखते हैं यहूदा को. He could not handle his grief. और देखिए अपनी शोक वेदना को संभाल नहीं सका. And he committed suicide. और फिर उसने जाकर खुदकुशी कर लिया. One wrong action. एक गलत कार्य. Could not handle it. He went into grief and he killed himself. और देखिए एक गलत निर्णय. अब देखते हैं कि उसने जाकर अपने आप को ही खत्म कर लिया. See, there was no hope then. और देखिए फिर कोई आशा नहीं रही थी. This is how it happens with many people. ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ. One loss एक नुकसान leads to many losses. इससे बहुत सारे नुकसान की ओर अगुवाई होती है. Today this word is coming to you. बहन देखिए यह वचन आपके पास आ रहा है. Your father, your mother is with the Lord. आपके माता आपके पिता प्रभु के साथ कह रहे हैं. You have believed in the Lord. आपने प्रभु में विश्वास किया. Your family is securely blessed. Rahab brought one woman believed in God. God had mercy on the whole family. हम देखते हैं रहाब एक महिला जिसने परमेश्वर में विश्वास किया उसके वजह से हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार पर दया दिखाई वो दयालु है. Come to the New Testament. नए नियम में आए. Go look at Zacchaeus. जक्कई को देखें. He said Zacchaeus. ने कहा जक्कई. Because how you treated me. जिस तरह से तुमने मेरे साथ बर्ताव किया. Because how you invited me in your life. जिस तरह से तुमने मुझे अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया. Salvation has come not to you but to your whole household. इस वजह से उद्धार सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं पूरे घराने में आ गया. God is looking for one man. That man is you. That woman is you. परमेश्वर एक व्यक्ति की तलाश में वो एक व्यक्ति आप है वो एक महिला आप है. Don't be grieving. शोक मत मनाए. Your mother is with the Lord. Your father is with the Lord. Your son, your daughter is with the Lord. आपके माता आपके पिता आपके बेटे बेटी जिनका देहांत हो गया वो प्रभु के पास है. He is faithful. वो विश्वासी है. He will show something big in your life. वो आपके जीवन में कुछ बड़ा दिखाएगा. I had a vision. हस्बैंड एक दर्शन देखे. I saw this girl crying. दर्शन में देखे एक लड़की को रोते हुए. Because she lost somebody very close. क्योंकि उन्होंने अपने कोई करीबी व्यक्ति को गंवा. Before I was coming, I was meditating, you know. और आने से पहले पासवान जी मनन कर रहे थे. I don't know why I'm saying this. पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं. But what I see, I speak. लेकिन जो देखते हैं वही बोलते हैं. I asked the Lord and said, Lord, what is this? प्रभु ने पासवान जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या है? And the Holy Spirit said, she's crying. फिर पवित्र आत्मा ने कहा वो रो रही है. Tell this woman. इस महिला से कहो. That a ring is coming on her finger. उसकी उंगली में अंगूठी आ रही है. You know, whenever the Holy Spirit speaks. देखिए जब कोई पवित्र आत्मा I said, Lord, give me a word. पासवान जी ने कहा प्रभु मुझे अपना वचन दे. The Holy Spirit said. प्रभु पवित्र आत्मा ने कहा. Isaac lost his mother. इसहाक ने अपनी माँ को गवाया. And he was comforted. और फिर उसे सांत्वना दी गई. Because of his wife. पत्नी के जरिए. This is a word which the Holy Spirit is giving you. ये वो वचन है जो पवित्र आत्मा आपको दे रहा है. I do not know what way is the Lord will comfort you. और नहीं जानते किस तरीके से प्रभु आपको शांति और सांत्वना देगा. But the Lord will surely comfort you. लेकिन प्रभु यकीन आपको शांति और सांत्वना देगा. This word is true. उसका वचन सत्य है. This is happening right now as I'm speaking in the name of Jesus. और जैसे अभी हम बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है यीशु के नाम में. Lift your hands and say, Lord, I put my faith and trust in you. अपने हाथ उठाकर बोलिए प्रभु मैं अपना भरोसा अपना विश्वास तुझ में रखता हूं. As I'm speaking, your heart will be broken in pieces. जैसे हम बोल रहे हैं इस समय आपका दिल जो भेदा जा रहा है. The light of God will shine on you. परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी. Go with me to the book of Isaiah chapter 61, please. चलिए निकालें इस समय यशायाह का अध्याय 61. We read these words of assurance. और देखिए इस वचन को आश्वासन का वचन के रूप में पढ़ते हैं. Verses 1 onwards. उसके पहले वचन से. The spirit of the Lord is upon me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है. Jesus spoke these words in the synagogue. हम देखते हैं यीशु ने इस वचन को आराधनालय में बोले. This was his first public sermon. और देखिए यह उनका पहला सार्वजनिक संदेश था. It was his mission statement. ये उनका मिशन का मुख्य उद्देश्य था. And he said, because the Lord has anointed me and qualified me to preach the gospel of good tidings to the meek, to the poor, and to the afflicted. उन्होंने ऐसा कहा देखिए प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है और मुझे योग्य बनाया है गरीब और पीड़ित लोगों को और शोकित लोगों को अच्छी खबरों का सुसमाचार प्रचार करने के लिए. That is why Jesus came. और आप देखते इसी वजह से यीशु आए. He came then. वो तब आए. He will come now. वो अब आएंगे. And he is coming soon. और वो जल्दी आ रहे हैं. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया. See, this is the word. देखिए ये है वचन. This is why Jesus came. इसी वजह से यीशु आए. One day he was walking. एक दिन वो चल रहे थे. And he saw a crowd of people. और उन्होंने लोगों की एक भीड़ को देखे. And he saw a widow. और वहां पर उन्होंने एक विधवा को देखे. The Bible calls her the widow of nine. और बाइबल में लिखा गया नाइन की विधवा. She had no husband. उसके पति नहीं थे. Her only son was no more. और उसका इकलौता बेटा जो मर गया. She was not even praying. वो तो प्रार्थना भी नहीं कर रही थी. Only her tears
tears were falling down her cheeks perhaps. सिर्फ उसके आंसू जो है उसके गाल पर से बहते हुए नीचे गिर रहे थे. And Jesus came over there. और फिर यीशु वहां आए. He said, "Don't cry." यीशु ने कहा, रो मत. And he raised his son up. फिर उसके बाद उसके बेटे को उन्होंने जिलाया. I do not know whether the Lord will raise up your family members, but one thing I know, comfort is coming. और नहीं जानते कि प्रभु आपके परिवार के लोगों को जिलाएगा. एक बात पक्का है कि शांति आ रही है. I'm telling you, your life will totally change. और कहना चाहते हैं आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. See what it further says. देखिए आगे क्या लिखा है. He has sent me to bind up and heal the brokenhearted. और आगे देखिए उन्होंने लिखा है कि टूटे मन के लोगों को चंगा करने के लिए. And further on it says. आगे लिखा है. To grant consolation and joy to those who mourn in Zion. और जो लोग सियोन में दुख मनाते हैं उनके लिए आनंद को फैलाएं. Who are the people mourning in Zion? और ये सियोन में कौन है जो शोक मना रहे हैं? People who trusted God and still they are mourning. और वे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु पे भरोसा किया और फिर भी शोक मना रहे हैं. There is mourning in Zion. सियोन में ऐसा शोक मनाया जा रहा है. The people of God are mourning. और परमेश्वर के लोग शोक मना रहे हैं. But mark my words. लेकिन देख लीजिए. Your mourning will turn into dancing. आपका शोक मनाना नाच में बदलने जा रहा है. And how does God do that? कैसे परमेश्वर करेगा? See what it says. देखिए वचन क्या लिखा है. To give them an ornament, a garland or diadem. और देखिए ब्यूटी उन्हें खूबसूरती देने के जरिए आभूषण देने के द्वारा इंस्टेड ऑफ एशेस राख की बदलाएं. आई एम टेलिंग यू कहते हैं आपसे दिस थिंग विल कम अपॉन यू.